हेलो बच्चों, हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द ऑसम चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर वेरी ओन समाप्ति सिन्हा महापात्र एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर नॉन कॉर्डेट्स। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। जो रिमेनिंग तीन फाइलम्स हैं, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने अप टू आर्थ्रोपोडा कवर कर लिया था, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मॉलस्का, देन एकिनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा एंड वी आर ऑल सेट। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम जैसे कि और डायग्राम में तो मैं दिख भी रहा है, कुछ कुछ डायग्राम्स हमने बनाए हुए, स्टार फिश, बिलानोग्लॉसिस, दिस इज वॉट, दिस इज एपल स्नेल। तो मॉलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा आज हमें कवर करना है। लेकिन बच्चा पाड़ी, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो लेट मी जस्ट टेल यू द आंसर्स ऑफ द लास्ट टू क्वेश्चन दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर। अपने आंसर्स को मैच कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन था व्यूचर एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, व्यूचर एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन में था हुक वर्म, सेगमेंटेड वर्म, फ्लैट वर्म, फाइलेरियल वर्म। सो व्यूचर एरिया का दूसरा नाम क्या होता है? फाइलेरियल वर्म इज द राइट आंसर, ठीक है, फाइलेरियल वर्म। दूसरा क्वेश्चन जो था, जो आंसर आपको बताना था, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म एंड कॉकरोच। अर्थवर्म यानी कि एनलिट्स, कॉकरोच यानी कि आर्थ्रोपोड्स, उनके बीच में क्या कॉमन है? नेफ्रीडिया, नो, नेफ्रीडिया इज ओनली फाउंड इन अर्थवर्म। सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लोज सर्कुलेशन, गलत भाई, गलत बात है। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, गलत बात है, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच। ठीक, तो ये लास्ट क्लास के दो आंसर्स जो आपको सॉल्व करने थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइलम एंड दैट इज फाइलम मॉलस्का। ठीक है, जैसे कि बेटा हमें पता है कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का था आर्थ्रोपोडा, सबसे ज्यादा एनिमल्स थे। अगर सेकंड लार्जेस्ट फाइल, एक प्लेन स्लाइड ले लेते हैं, एक अगर हम बात करें मॉलस्का की, तो मॉलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। मॉलस्का क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो इधर लिखते हैं मॉलस्का, इधर लिखते हैं मॉलस्का, एंड एज आई सेड दैट मॉलस्का इज दी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। क्या है भाई? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, अगर हम मॉलस्का की बात करें, तो मॉलस्का का नाम मॉलस्का क्यों पड़ा, इसके टर्म्स में जाते हैं, वर्ड्स को ब्रेक करते हैं और हमें मिलेगा यहां मॉलस। यहां पे एक टर्म मिलता है हमें मॉलस, जिस मॉलस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, जिस मॉलस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। बेसिकली दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। क्या होते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ठीक, ये इनके नाम का सिग्निफिकेंस हो गया। तो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद दिस वन, ना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दी जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम देख लेते हैं बेटा इसकी, अगर बॉडी को देखोगे ना, तो इसकी बॉडी को यूजुअली हम, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक, इसकी बॉडी को यूजुअली हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, इधर पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। तो बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री पार्ट्स, एंड दोस पार्ट्स आर हेड नंबर वन, नंबर टू होता है विसरल हम्प, नंबर टू होता है विसरल हम्प, एंड तीसरा पार्ट हो गया मस्क्यूलर फुट, मस्क्यूलर फुट। विसरल हम को विसरल मास भी कहते हैं। ये इसके बॉडी के हो गए तीन पार्ट्स, ठीक है। एक सुंदर सा, खूबसूरत सा डायग्राम बनाते हैं स्नेल्स का, और स्नेल्स के बॉडी से अंडरस्टैंड करते हैं बेटा कि उसकी बॉडी में ये पार्ट्स कहाँ कहाँ है। तो लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ दी स्नेल, ठीक है, कोशिश करते हैं स्नेल का डायग्राम बनाने की, ठीक है। तो तुम भी सुंदर सा डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, स्नेल का। ये हमने सुंदर सा डायग्राम बनाया है, ठीक, आई होप सुंदर सा लग रहा हो तुम्हें, ठीक। इसकी, इसको थोड़ा सा रब करके ना छोटा बनाते हैं अभी, क्योंकि हमें इसके ऊपर शेल बनाना है, ठीक। इसके ऊपर मैं एक सुंदर सा कलर, कौन सा कलर? येलो कलर मेरा फेवरेट है। येलो से बनाते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, ये क्या है? शेल है, शेल। सबने बेटा स्नेल्स तो देखे ही होंगे, है ना,
स्नेल्स की बॉडी में इस तरीके से तुम्हें दिखता है ऊपर शेल। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि सारे मॉलिस्का के बॉडी के ऊपर आपको शेल मिलेगा ही। इट्स नॉट नेसेसरी कि शेल इज प्रेजेंट, शेल में भी प्रेजेंट, शेल में भी एब्सेंट। ऑक्टोपस एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसकी बॉडी को देखो, मैंने बेसिक बॉडी बना दी है इसकी। ये क्या है बच्चा पार्टी, ये क्या है? ये है इसका मस्क्यूलर फुट। ये क्या है इसका मस्क्यूलर फुट। यहां होता है इसके पास एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन, यहां होता है इसके पास एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन जिसे कि बोलते हैं रेडियुला। इसे कर लो स्टार मार्क, इसके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। ये चोंच लग रही है इसके बड़े, ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है, ऐसा नहीं दिखता है। बस तुम्हें समझाने के लिए, एक बहुत ही शार्प रैस्पिंग ऑर्गन होता है जो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड है, जिसे बोलते हैं रेडियुला। और यहीं से आप इसके कुछ विसरल पार्ट्स को बना दो जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, एलिमेंट्री केनाल। ये क्या है, एलिमेंट्री केनाल, ठीक। ये हो गया इसका एलिमेंट्री केनाल, विसरल ऑर्गन, ठीक है। क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स जो है ज्यादातर इसी प्लेस में लोकेटेड होते हैं, इसीलिए इस पार्ट को बोला जाता है विसरल हम्प या विसरल मास। इसे बोला जाता है विसरल हम्प या विसरल मास, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ दी विसरल ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। मैं एक डिफरेंट कलर यूज करती हूँ, पिंक कलर। ये जो विसरल हम्प की कवरिंग दिख रही है तुम्हें, जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, इस विसरल हम्प की कवरिंग को बोलते हैं मैंटल। इसे क्या बोलते हैं, मैंटल। मैंटल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, मैंटल के बहुत सारे। देखो मैं वापस से बताती हूँ, ये हेड हो गया, ये रैस्पिंग ऑर्गन हो गया, ये एलिमेंट्री केनाल हो गया। एलिमेंट्री केनाल जिस स्पेस में प्रेजेंट है उसको हमने बोल दिया विसरल हम्प या विसरल मास। विसरल मास की कवरिंग को हमने बोल दिया मैंटल। ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है इसे हमने बोल दिया शेल। बेटा वो अलग से कोई बात नहीं है, पार्ट्स तो सिर्फ ये हेड है, विसरल हम्प है और ये मस्कुलर फुट है ना, ये हेड है। अब भैया आई कहां है इसकी, इसकी आई कहां है? आई होती है टेंटिकल्स के ऊपर। आई लोकेटेड होती है ऑन टॉप ऑफ द टेंटिकल्स। इस तरीके से जो टेंटिकल्स होते हैं इनके ऊपर होती है आई, यानी कि इनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स में टेंटिकल्स भी होते हैं और टेंटिकल्स के ऊपर लोकेटेड होती है आई, ठीक। सो दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स रिलेटेड विद द बॉडी ऑफ द मॉल्यूस्का विच इज हैविंग वेरी सॉफ्ट बॉडी। नाउ दिस शेल दैट यू सी ऑन टॉप ऑफ द बॉडी विच मे बी प्रेजेंट इन सम, विच मे नॉट बी प्रेजेंट इन सम, सो दिस शेल इज बेसिकली सिक्रीटेड बाई द मैंटल। ये जो मैंटल होता है यही सिक्रीट करता है जिस पार्ट को, उसे बोलते हैं शेल। कैल्शियम की बनी होती है, बाहर होती है, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, यहां जो हमने ये स्पेस बनाया हुआ है ना, इस स्पेस को बोला हमने मेंटल कैविटी। देर इज अ स्पेस विच इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी एंड इट हैज वेरी ब्यूटिफुल फेदर लाइक गिल्स। इस मेंटल कैविटी में ये दिख रहा है वेरी ब्यूटिफुल फेदर लाइक गिल्स, जिसके हेल्प से ये रेस्पिरेशन भी कर सकता है और जिसके हेल्प से ये एक्सक्रीशन भी कर सकता है, जिसे बोला जाता है टीनीडिया। टीनीडिया आर फेदर लाइक गिल्स, ये हमने आगे भी मेंशन किया है रेस्पिरेशन में, ठीक है। टीनीडिया आर फेदर लाइक गिल्स, जिसके हेल्प से रेस्पिरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है और वो जिस स्पेस में प्रेजेंट है उस स्पेस को बोला जाता है मेंटल कैविटी। इसको क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी में और एक सेंसरी स्ट्रक्चर मिलता है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बाद में किया है, यहां पे मैं नहीं बना रही हूं, ठीक है। सो बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, विसरल मास और विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट, ठीक है। टेंटिकल्स के ऊपर आई लोकेटेड होंगे, विसरल मास में सारे विसरल ऑर्गन्स होंगे। माउथ इज प्रोवाइडेड बाय अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेडियुला। बेटा जैसे कि मस्कुलर फेरिंग्स पढ़ा था याद है आज के हेलमेंथेस में, वैसे ही यहां पे हो गया रेडियुला, ठीक है। शेल में भी प्रेजेंट, शेल में भी एब्सेंट। आई होप डायग्राम तुम्हें सुंदर सुंदर दिख रहा हो, ठीक है। मुझे बताना कैसा डायग्राम दिख रहा है और तुम्हें भी ऐसे सुंदर सा डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलो
लेट्स कम बैक टू दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे तो पानी में भी रह सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं. बहुत सारे एक्वेटिक मिलते हैं बेटा, सीपिया, लॉलीगो, पिंक टाडा, यूनियो, ऑक्टोपस, ये सारे पानी में रहने वाले. और धरती पे टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जैसे कि लैंड स्नेल्स. बड़े सारे लोगों ने देखा होगा लैंड स्नेल्स. तो लैंड स्नेल्स आपको टेरेस्ट्रियल मिल जाएगा, एक्वेटिक भी मिल जाएगा. एक्वेटिक में बेटा मरीन वाटर भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिंपल, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तीन जर्म लेयर होगी इनके पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब बात करें अगर इनके सीलोम की, सच्चे हैं ट्रू सीलोम. और ट्रू सीलोम में कैसे बेटा, कौन सा वाला सीलोम होगा? शाइजो सीलोम. ट्रू सीलोम में शाइजो, ये बहुत बारी बेटा सवाल आता है, ट्रू सीलोम में क्या होगा? शाइजो सीलोम. ठीक, ट्रू सीलोम में शाइजो सीलोम. नेक्स्ट बात करेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, बट अगर ट्यूब विद इन ट्यूब में देखेंगे कि आर दे प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स, सो डेफिनेटली अब ये बन गए बेटा लास्ट बचे हुए हैं जो होते हैं प्रोटोस्टोम्स. ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द माउथ फर्स्ट. So these are protostomes. Now they are bilaterally symmetrical, except इसमें एक क्लास आती है जिसे बोलते हैं gastropods. तो जो gastropoda होता है वो gastropoda होता है asymmetrical. ठीक है, ये एक exception लिख लो, NCERT में नहीं given है. Asymmetrical. ठीक, asymmetrical. अब सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होती है और नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट होती है. सेगमेंटेशन में भी एक एक्सेप्शन है, सेगमेंटेशन में भी एक एक्सेप्शन है. यहां पे लिख लो नियोपिलीना. नियोपिलीना इसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी होती है सेगमेंटेड बेटा. ठीक, इसकी बॉडी दिखेगी सेगमेंटेड. इनफैक्ट बेटा एक एक्स्ट्रा ज्ञान भी यहां पे लिख सकते हो कि नियोपिलीना जो होता है ना, कनेक्टिंग लिंक होता है. नियोपिलीना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन annelids and mollusca. ठीक है, अब देखो सीक्वेंस, देखो annelida then arthropoda then mollusca. ऐसा सीक्वेंस है ना, annelida arthropoda mollusca. annelida वो फाइलम है जिससे arthropoda भी आए, उन दोनों के बीच में भी कनेक्टिंग लिंक होता है. और annelida वही फाइलम है जिससे mollusca भी आए. आपको समझ आ रही है बात? ठीक है, arthropoda से mollusca नहीं आए, annelida से mollusca आए, इसीलिए दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक दिखता है जिसे हम नियोपिलीना बोलते हैं. सो दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक. दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच में? बिटवीन annelids. बिटवीन annelids, इसीलिए तो annelida जैसा कैरेक्टर मिल रहा है, सेगमेंटेड बॉडी. क्योंकि सेगमेंटेशन कहां दिखती है? annelida में. मॉलिस्का में तो सेगमेंटेशन दिखती ही नहीं है. तो दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक. ठीक है, बिटवीन annelids एंड मॉलिस्का. एक्स्ट्रा ज्ञान है, अपने रिस्क मिले. ठीक है, चलो. ठीक है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये डायग्राम दिख रहा है पाइला का, ऑक्टोपस का. ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, एप्पल स्नेल एंड दिस वन इज ऑक्टोपस. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओहो, ये तो हमारा वही वाला डायग्राम है. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखना है इसकी फिजियोलॉजी. सो डाइजेशन इज ऑब्वियसली ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. बट मेरे बच्चों वो वाला पॉइंट ऐड कर लो, दैट माउथ इज प्रोवाइडेड विद file-like rasping organ जिसे बोलते हैं हम, file-like rasping organ को radula. क्या बोलते हैं? radula, file-like rasping organ. ठीक है, क्योंकि ये characteristic feature है और ये आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा, तो इसे मेरे बच्चों star mark कर लो. ठीक है, इसे star mark कर लो. Then their respiration. Just now I told you बेटा that इनके पास जो mantle cavity होती है उसके अंदर आपको सुंदर सुंदर gills दिख रही हैं, जिन्हें बोलते हैं tinidia. Feather like gills को बोलते हैं tinidia. तो respiration tinidia के help से हो सकता है, क्योंकि पानी में gills है ना, gills है तो पानी में रहने वालों के पास tinidia as a respiratory structure. इसके अलावा pulmonary respiration भी होता है, lungs के through भी होता है. किसमें? terrestrial में. तो tinidia भी हो सकता है, lungs भी हो सकता है. और tinidia बेटा ना ही सिर्फ respiration में help करेगा, यहां ये gills जो है ना tinidia, ये excretion में भी help करती हैं. ये tinidia
एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक, चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम इज बोथ ओपन एंड क्लोज टाइम। अब कौन से स्मार्ट बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चों को याद है एंथे में? एंथे में ए वॉज आर्थ्रोपोडा, एन वॉज नॉन सिफेलोपोड मॉल्यूस्का। दोबारा बोलो, नॉन सिफेलोपोड मॉल्यूस्का। अच्छा ना, नॉन सिफेलोपोड और सिफेलोपोड से क्या मतलब समझते हो? देखो ये क्या बना रही हूं मैं, अगर तुम ना थोड़ा इमेजिन कर सको, ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम क्या बना रहे हैं, ये ध्यान समझ पा रहे हो, ये हम क्या बना रहे हैं? ऑक्टोपस। यहाँ क्या होते हैं, सक्कर्स होते हैं ना इस तरीके से, ये हमने क्या बनाया, ऑक्टोपस। तो इससे हम सेफेलोपोड नॉन सेफेलोपोड एक्चुअली समझ सकते हैं। ठीक है, चलो ये बना दिया हमने ऑक्टोपस। एक कार्टून आता था, सो क्या बोलते हैं बोले कार्टून को, मैं बड़ा देखती थी वो कार्टून जिसमें ऑसवर्ल्ड ब्लू कलर का ऑक्टोपस था ना, ऑसवर्ल्ड वीनी, बड़ा ही प्यारा कार्टून था। एनीवे, तो चलो ये ऑक्टोपस स्माइल कर रहा है, ठीक है, स्माइलिंग ऑक्टोपस। तो इस ऑक्टोपस में ऐसा लग रहा है कि ये हेड के ऊपर ही लेग्स हैं, हेड के ऊपर लेग्स हैं। तो ऐसे वाले एनिमल्स जो मॉलिस्का से बिलोंग करते हैं उन्हें बोलते हैं सेफेलोपोड्स। उन्हें क्या बोलते हैं? सेफेलोपोड्स। सेफेलो का मतलब होता है हेड, पोड आर्थ्रोपोड, पोड का मतलब होता है लेग्स। तो हेड एंड लेग्स, ऐसा लगेगा हेड के साथ ही लेग्स हैं, तो ये हो गए सेफेलोपोड्स। जो भी एनिमल्स में ऐसा अरेंजमेंट दिखता है ना कि हेड के साथ में लेग्स, तो उनको हमने बोल दिया सेफेलोपोड्स। जो भी ऐसे नहीं दिखेंगे उन्हें हम बोल देंगे नॉन सेफेलोपोड्स। सो ए एन, एन जो था वो था नॉन सेफेलोपोड्स। सो नॉन सेफेलोपोड्स में था बेटा, नॉन सेफेलोपोड्स में था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हमें ओपन लिखना है, यहां पर कौन से हो जाएंगे ओपन के लिए? नॉन सेफेलोपोड मॉल्यूस्का, नॉन सेफेलोपोड मॉल्यूस्का। और बेटा क्लोज्ड, सी से क्लोज्ड, सी से सेफेलोपोड, ये और आसान हो गया। सी से क्लोज, सी से सेफेलोपोड, सेफेलो के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, एनेलिडा के पास लाल रंग का खून था, उनके पास था हीमोग्लोबिन, लेकिन वो डिजोल्व था प्लाज्मा में, ठीक, आरबीसी में नहीं था। आर्थ्रोपोडा का तो कलरलेस था, ठीक है, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन था ही नहीं। इनके ब्लड का कलर होता है नीले रंग का, इनके पास होता है एक ब्लूइश पिगमेंट जिसे बोलते हैं हीमोसाइनिन। दिस इज कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, इनके पास होता है कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। तो इनके ब्लड का कलर हो जाता है नीला। वापस से चालू करो बेटा, डाइजेशन में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, माउथ के साथ में रेडियुला हो गया, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिरेशन जो पानी में रहते हैं वो गिल्स से करेंगे, टीनिडिया जो धरती में रह रहे हैं वो लंग्स से करेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लोज्ड फॉर सेफेलोपोड्स, ओपन फॉर नॉन सेफेलोपोड्स, और ब्लड में एक ब्लू कलर का पिगमेंट है हीमोसाइनिन। ठीक, चलो, नर्वस सिस्टम बेटा बहुत ही सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम है, और कुछ सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है इनके पास जिससे कि नर्व्स निकल रही होती है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को बोल दिया हमने गैंग्लियन, जिससे नर्व्स निकल रही होती है। बहुत ही सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम है इनके पास, ठीक, सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। देन टॉकिंग अबाउट सेंसरी स्ट्रक्चर्स, इनके पास टेंटिकल्स हैं। देखो अभी अभी बनाया था, टेंटिकल्स है ना, और टेंटिकल्स के ऊपर आई भी होती है, तो टेंटिकल्स के साथ में आई भी होती है ना। स्टैटोसिस्ट, यू रिमेंबर स्टैटोसिस्ट क्या था? स्टैटोसिस्ट था बैलेंसिंग स्ट्रक्चर। इनके पास स्टैटोसिस्ट होगी विच इज कॉल्ड बैलेंसिंग स्ट्रक्चर, ठीक, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर में आपको, और बेटा आपको याद हो अगर टीनिडिया, मैंने अभी अभी बताया कि टीनिडिया कहां प्रेजेंट था, मेंटल कैविटी में। उसी कैविटी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे बोलते हैं ऑस्फ्राडियम। क्या बोलेंगे उसको? ऑस्फ्राडियम। और ये ऑस्फ्राडियम इज यूज्ड टू डिटेक्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। जिस पानी में रह रहे हैं उसके केमिकल नेचर को डिटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर ये यूज कर सकते हैं उसे हम बच्चा लोग बोलेंगे ऑस्फ्राडियम। ऑस्फ्राडियम कहाँ है? जहाँ टीनिडिया है। टीनिडिया कहाँ है?
मेंटल कैविटी में. ठीक है, तो ये ज्यादा दिक्कत वाली तो बात नहीं है, थोड़ा सा बता दिया ज्यादा, लेकिन दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अरे ये तो स्माइलिंग ऑक्टोपस आ गया. ठीक है, रिप्रोडक्शन में कैसे दिखते हैं बेटा, ये दिखेंगे यूनिसेक्सुअल भी, बाइसेक्सुअल भी. यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है. यूजुअली इनकी होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है. और यूजुअली ये लोग अंडे देते हैं, सो दे आर ओवी पैरस. ठीक है, ज्यादातर ओवी पैरस होते हैं, मीन्स एग लेइंग. ठीक, मीन्स एग लेइंग. सो वेरी सिंपल फाइलम मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एंड विद वेरी वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज. ठीक, बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड, विसरल हम्प एंड मेंटल एंड मस्कुलर फोट. मेंटल नहीं, मेंटल एक ऐसा पार्ट है जो कि विसरल हम्प या विसरल मास के ऊपर की एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. हेड को भी बचाती है वो कवरिंग, और वो शेल को भी सिक्रीट करती है. ठीक है, ऊपर जो शेल अगर आपको दिख रहा है, जो किसी किसी में हार्ड शेल प्रेजेंट हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, उस शेल को बनाने का काम करती है मेंटल. ठीक, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स बेटा सारे एनसीईआरटी वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट. पाइला, पाइला इज कॉल्ड एप्पल स्नेल. पाइला इज कॉल्ड एप्पल स्नेल. एनसीईआरटी में छवि देवी है इसकी. पिंक टाडा, पिंक टाडा इज कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर. आपको पता है ना, पर्ल्स हमें मिलते हैं मोलस्का से, सो दिस इज पर्ल ऑयस्टर. सीपिया, सीपिया इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं कटल फिश. इसको बोलते हैं कटल फिश. ठीक है, एक हमने बेटा सिल्वर फिश देखा था. सिल्वर फिश हमने देखा था आर्थ्रोपोडा में, लेपेजमा में, ए मेटाबोलस इंसेक्ट, राइट. सो दिस इज कटल फिश. देन वी हैव लॉलीगो, जिसे हम बोलते हैं स्क्विड, जिसे हम बोलते हैं स्क्विड. देन वी हैव ऑक्टोपस. ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश. इसको क्या बोला, डेविल फिश. देन वी हैव अप्लाइशिया. अप्लाइशिया को बोला सी हेयर. इसको बोला सी हेयर. देन वी हैव डेंटेलियम. डेंटेलियम इज कॉल्ड एज एलिफेंट, एलिफेंट टस्क शेल. इसको बोला एलिफेंट टस्क shell. Then we have the last example, which is Chitoplura, that is called as chiton. That is called as chiton. So there are many example here itself. You don't need to look at any other books, beta, for any other examples. We have sufficient examples. Pila is apple snail. Pink tada is pearl oyster. Sepia is cuttlefish. Loligo is squid. Octopus is devilfish. Aplysia is sea hare. Dentalium is elephant tusk shell. And Chitoplura is chiton. ठीक, here we complete the phylum Mollusca, which means beta. Basically, they have very very soft body. Then let's talk about the next phylum. Here you can see some of the diagrams, right? Starfish का diagram दिख रहा है तुम्हें, और ये diagrams बेटा NCERT के जरूर कर लेना, क्योंकि diagram based भी questions आते हैं, इसलिए मैंने हर slide के साथ में diagrams भी attach कर दिए हैं. ठीक, so if you look at the starfish, अगर starfish सामने से भी देखियो, या कोई भी animal जो echinodermata को belong करता है, echino से समझते क्या है हम, what is the meaning of echino? Echino means spiny. They have spiny body. What they have? They have spiny body. Spiny echinodermata. Dermata means skin. Dermata means skin. So these are basically spiny skinned animals. So that's why their name is echinodermata. Also, they have endoskeleton, which is made up of calcium, calcareous ossicles. Inka jo endoskeleton hota hai, endoskeleton hota hai, that is made up of calcareous, matlab calcareous means made up of calcium, calcareous ossicles.
इनका एंडोस्केलेटन होता है कैल्केरियस ऑसिकल, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही, इसकी स्किन के नीचे बहुत ही हार्ड कैल्शियम मेड ऑसिकल्स होती हैं, इसीलिए ऊपर से स्किन बेटा बहुत रफ दिखती है। समझ में आ रही है बात? अंदर से क्योंकि कैल्शियम के बड़े ही हार्ड ऑसिकल्स हैं, ऊपर से स्किन बहुत ही रफ दिख रही है। इनकी स्किन बहुत ही रफ दिखती है, स्पाइनी दिखती है, दैट इज वाई स्पाइनी स्किन एनिमल्स। दिस इज स्टार फिश, दिस इज ऑफियूरा गिवन इन एनसीईआरटी, सो डू इट अकॉर्डिंगली, डू द डायग्राम्स एज वेल। लेट अस लुक एट देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयर देयर हैबिट एंड हैबिटेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू थ्री फाइलम्स, नॉट सब फाइलम्स, टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू थ्री फाइलम्स विच आर एक्सक्लूसिवली मरीन। टीनोफोरा हम कर चुके हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, एकाइनोडर्मेटा एंड द नेक्स्ट फाइलम विच इज हेमिकॉर्डेटा, सो दे आर ऑल मरीन एंड स्टार मार्क दिस, एक्सक्लूसिवली मरीन विदाउट एनी एक्सेप्शन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन इफ यू लुक एट देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी में ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम है। देन इफ यू लुक एट देयर जर्म लेयर, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ दे विल कम बेटा, यूसिलोमेट तो होते हैं, जैसे कि मोलिस्का भी था, यूसिलोमेट तो मोलिस्का भी था, लेकिन यूसिलोमेट में कैसा सीलोम सीलोम था? शाइजोसीलोम। और यहां से शुरुआत होती है एंटेरोसीलोम की, क्योंकि तीन फाइलम्स यूसिलोम में भी एंटेरोसीलोम है। एक हो गया मोलिस्का, सॉरी एक हो गया एकाइनोडर्मेटा, एक हो गया हेमिकॉर्डेटा, एक हो गया कॉर्डेटा, तो ये यूसिलोमेट है, बट कैसे वाले? कैसे वाले? एंटेरोसीलोम। कैसे वाले? एंटेरोसीलोम। मीजोडर्म की पाउच बनेगी और फिर स्प्लिटिंग होगी। ठीक, चलो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। नाउ हियर ऑल्सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अब तक सारे प्रोटोसोम्स पढ़े, कहां से बेटा याद करो, रिपीट करो, एश्के हेलमेंथिस था, ठीक, ट्यूब ट्यूब विद इन ट्यूब, बट वो था प्रोटोस्टोम्स। एश्के हेलमेंथिस के बाद एनेलिडा, ट्यूब विद इन ट्यूब प्रोटोस्टोम्स, आर्थ्रोपोडा ट्यूब विद इन ट्यूब प्रोटोस्टोम्स, मोलस्का ट्यूब विद इन ट्यूब प्रोटोस्टोम्स, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा इज ड्यूटेरोस्टोम्स, यू रिमेंबर। सो ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द एनस फर्स्ट, माउथ सेकेंड, ड्यूटेरो सेकेंड, स्टो मीन्स माउथ, ठीक। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एज वेल एज रेडियली सिमेट्रिकल। आई एम श्योर मेरे सुपर इंटेलिजेंट बच्चे, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, तुम्हें अब तो याद हो गया होगा कि रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी मिलेगी एडल्ट्स में, अडल्ट्स में, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी मिलती है लार्वा में। लार्वा होता है ज्यादा एडवांस्ड और एडल्ट होता है लेस एडवांस्ड। सेगमेंटेशन तो भाई नहीं है, नोटोकॉर्ड भी नहीं है, बिचारों के पास नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं। इस डायग्राम से डरना मत, ये डायग्राम सिर्फ तुम्हें एक सिस्टम बताने के लिए है मेरे बच्चों, ठीक है। घबराना मत कि ये मैम ने पता नहीं क्या चिपका दिया बोर्ड के ऊपर, ठीक है। मैं इसे हाथों से भी बनाऊंगी, अपने इन कोमल हाथों से, ठीक है। अपना ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम वाला डायग्राम भी बनाएंगे, चित्र बनाएंगे हम, लेकिन उस चित्र का बेटा सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है कि एनसीईआरटी में वो लाइन दी हुई है कि इनके पास एक सिस्टम होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। सिर्फ उस चीज को जानने के लिए हमें बनाना पड़ेगा, डायग्राम को रटने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें बनाने के लिए नहीं बोलना बोल रहा, और पीएचडी भी करना नहीं है हमें, ठीक है। हमें बहुत बेसिक रखना है एनसीईआरटी बेस नीट के लिए। डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ऑफ कोर्स ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, बट हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी। स्टारफिश को देखोगे तो ऐसा दिखता है स्टारफिश, है ना, एक उसका वेंट्रल साइड, एक उसका डॉर्सल साइड, अपन के जैसा तो नहीं दिख रहा है, है ना। इनका जो, अरे रे नॉट मंथ, इनका जो माउथ होता है, इनका जो माउथ होता है वो होता है वेंट्रल साइड पे, नॉट ऑन द डॉर्सल साइड। ये पूछा जा सकता है, इनका जो माउथ होता है वो होता है वेंट्रल साइड पे, और इनका जो एनस होता है वो होता है डॉर्सल साइड पे। अपना भी माउथ देखोगे तो अगर देखा जाए, ये हमारा वेंट्रल साइड है ना, तो हमारा भी तो माउथ वेंट्रल साइड पे है, ऐसे याद रख लो। एकाइनोडर्म का भी माउथ होता है वेंट्रल साइड पे या लोअर साइड पे, और डॉर्सल साइड पे होता है एनस विद एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक। वैसे तो यहां मैंने रेस्पिरेशन में ट्यूब फीड लिखा हुआ है, पर आप याद रख सकते हो। अब देखो कंपेयर करो, यू रिमेंबर पॉरीफेरा में हमने एक सिस्टम पढ़ा था मेरे बच्चों, वाटर केनाल सिस्टम, यू रिमेंबर वाटर केनाल सिस्टम।
अब देखते हैं कितने बच्चों को याद है। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम को मैंने वहां कंपेयर किया था और मैंने कहा था मैं यहां सवाल पूछूंगी कि वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो कि एक पॉरीफेरा में है एक एकाइनोडर्मेटा में है, दोनों की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वैस्कुलर सिस्टम दोनों कर सकते हैं डाइजेशन में हेल्प, रेस्पिरेशन में हेल्प, सर्कुलेशन में हेल्प, एक्सक्रीशन में हेल्प, लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता था पॉरीफेरेंस को रिप्रोडक्शन में भी, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में भी, लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स नहीं करता। ठीक, एक ऐसा फंक्शन जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम करता है और कैनाल नहीं करता वो है लोकोमोशन। ट्यूब फीड की हेल्प से लोकोमोशन, वाटर वैस्कुलर सिस्टम का मैं बनाऊंगी एक छवि, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्यूब फीड। तो लोकोमोशन कर सकता है वैस्कुलर सिस्टम बट वो नहीं कर सकता वाटर कैनाल सिस्टम, यही याद रख लेना। एक्चुअल में बेटा डायग्राम से कभी सवाल नहीं आता, सवाल आता है सिर्फ और सिर्फ इसके फंक्शन से। ठीक, अब देखो ट्यूब फीड से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑफकोर्स वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है जो कि ना ही रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है बट सर्क्यूलेशन में भी हेल्प कर सकता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट इसको तो स्टारमा कर लो कि इनके पास अलग से कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है और वो टोटली बेटा कर रहा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम उसमें हेल्प। टोटली वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन कि कौन सा सिस्टम है एकाइनोडर्म्स में टोटली एब्सेंट जिसकी जगह जो सिस्टम हेल्प कर रहा है दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे बच्चों ओपन ही होगा, एंथे आर्थ्रोपोड नॉन सेफेलोपोड मॉलस्का, एन टी फॉर ट्यूनिकेट, मैम भी याद कर रही है ना, टी फॉर ट्यूनिकेट, ए एन टी एच, एच फॉर हेमिकॉर्डेटा, ई फॉर एकाइनोडर्मेटा। तो हेमिकॉर्डेटा अगला वाला भी ओपन, एकाइनोडर्मेटा भी ओपन, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो छवि बनाई है ना, जो बहुत सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में देखेंगे मैम ये डायग्राम क्लियर नहीं है, मुझे पता है, इसीलिए मैं खुद बनाने वाली हूँ डायग्राम। ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत साफ साफ तो नहीं दिखेगा कि ट्यूब फीट कहाँ है, रेडियल कैनाल कहाँ है, स्टोन कैनाल कहाँ है, रिंग कैनाल कहाँ है ना। तो हम बनाते हैं अपने प्यारे हाथों से। ठीक है, स्टार फिश को इमेजिन करते हुए बनाओ। स्टार फिश की पांच आर्म्स दिखती है बेटा, स्टार फिश की पांच आर्म दिखती है, स्टेरिस की पांच आर्म्स दिखती हैं। उन पांच आर्म से रिलेटेड हमें ये सुंदर सा डायग्राम बनाना है जो मेरे बच्चे साथ में बनाएंगे। ठीक है, जो मेरे बच्चे साथ में बनाएंगे इस तरीके का डायग्राम। जबरदस्त यार, छह तो नहीं बना दिए? नहीं, ठीक है, इसलिए मैथ्स नहीं ली थी मैंने। ठीक है, वैसे मेरे पास मैथ्स थी, मेरे पास ट्वेल्थ में और इलेवेंथ में आई वॉज अ पीसीएमबी स्टूडेंट। ठीक है, मुझे मैथ्स बड़ी पसंद थी, बट एनीवे लेट्स नॉट गो टू देयर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पांचों आर्म्स में ऐसे कुछ कैनाल्स दिखते हैं और सेंटर पे एक रिंग कैनाल, ये रिंग बन रहा है ना, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा रिंग कैनाल, इसे हम बोलते हैं रिंग कैनाल। ये मैं अतिरिक्त बता रही हूँ आपको, एक्स्ट्रा ज्ञान बता रही हूँ, बट बेटा क्योंकि एनसीईआरटी में वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम गिवन है तो उसके लिए हम ये बना रहे हैं। सिर्फ फंक्शंस याद रखोगे, सिर्फ फंक्शंस याद रखोगे तो उससे हो जाएगा, और ये भी बहुत बेसिक है, मुझे पता है तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा, इसीलिए बना रही हूँ। ठीक है, ये पांचों आर्म्स में जो तुम्हें ये कैनाल्स दिख रही हैं इसे बोलते हैं रेडियल कैनाल, इसे बोलते हैं रेडियल कैनाल। ठीक, और इसमें एक चीज की ओपनिंग होती है जिससे छन के सारा पानी आता है, जिससे कि छन के सारा पानी अंदर आता है, इसे बोलते हैं मैड्रीपुराइट। ये एक ओपनिंग है जिससे कि छन के सारा पानी आता है, जिसे बोलते हैं मैड्रीपोराइट। क्या बोला? मैड्रीपोराइट। ये सीव की तरह एक्ट करता है, छन्नी की तरह एक्ट करता है। ठीक, सीव की तरह एक्ट करता है, छन्नी की तरह एक्ट करता है, जिससे कि पानी छन के अंदर आएगा। ठीक है, सीव की तरह एक्ट करता है, अरे रे, जिससे कि पानी फिल्टर होके अंदर आएगा, जिससे कि पानी फिल्टर होके अंदर आएगा। अब देखो मैड्रीपोराइट से पानी अंदर आएगा और किस में पास होगा? इस वाली केनाल में, जिस केनाल को हमने क्या बोला बेटा, इस केनाल को हमने बोला रिंग केनाल। अब रिंग केनाल से पानी किधर को जाएगा, किधर को जाएगा, किधर को जाएगा, किधर को जाएगा? हर एक आर्म्स में जाएगा जिसे हमने बोला रेडियल केनाल। इस तरीके से कर सकते ना, मैड्रीपोराइट से रिंग केनाल गया, रिंग केनाल से आ गया
रेडियल केनाल, ठीक है, ये भी एक केनाल होता है, इसे बोलते हैं एस शेप केनाल. एनीवे यू डोंट नीड टू डू दैट, सो इट्स फाइन. फ्रॉम मैड्रीपोराइट टू दिस केनाल विच इज एस शेप केनाल, टू द रिंग केनाल, टू द रेडियल केनाल. और देखो यहां से ना कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से फर्दर छोटे छोटे केनाल्स. जैसे तुम छोटे छोटे बच्चे हो वैसे यहाँ छोटी छोटी केनाल्स होती हैं, और इन छोटी छोटी केनाल्स, यहाँ पे भी छोटी छोटी केनाल्स, इस तरीके से छोटी छोटी केनाल्स, इन छोटी छोटी केनाल से अटैच होता है जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही थी, जो रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसे बोला ट्यूब फीट. इसे क्या बोला? ट्यूब फीट. कितना सिंपल है, हमें डर लगता है बस ऐसे ही देख के. देखो मैड्रीपोराइट से फिल्टर होके पानी आया, इस केनाल में गया, इससे बेटा इन वाले स्टोन केनाल्स में गया, स्टोन केनाल से फर्दर कहाँ गया, स्टोन केनाल से इन वाले केनाल्स में गया जो हर एक आर्म्स में है, जिसे हमने बोला रेडियल केनाल. रेडियल केनाल से कहाँ गया, रेडियल केनाल से उससे जो अटैच है केनाल, उससे कौन से अटैच है केनाल, ये वाले केनाल अटैच है लेटरल केनाल, तो रेडियल केनाल से लेटरल केनाल, और लेटरल केनाल से ट्यूब फीट. एज सिंपल एज दैट. पानी का फ्लो, जिसे ये डायग्राम याद नहीं होता है उसे सिंपल चार पॉइंट्स याद रखने हैं, नीट के लिए चार पॉइंट्स याद रखने हैं कि इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम का काम रेस्पिरेशन में भी है, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, ये डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है, ये सर्कुलेशन में भी हेल्प कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन करता है जो कि आपका वाटर कैनाल सिस्टम नहीं कर सकता, वो है लोकोमोशन. लोकोमोशन कर सकता है पर वाटर कैनाल सिस्टम लोकोमोशन नहीं कर सकता, ठीक है. तो ये देखो कितनी सिंपल सी बात हमने पढ़ ली, बस एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन इट. नर्वस सिस्टम की बात करें, एक फन फैक्ट बताऊं, देखो कुछ कुछ दोस्तों को तुम बुला सकते हो, जैसे हम बुलाते भी हैं ना, ब्रेनलेस, हार्टलेस, है ना, ना दिल होता है ना दिमाग होता है, और कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, ऐसे लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं, जिनके पास दिमाग भी नहीं है सोचने के लिए, दिल भी नहीं है सोचने के लिए. इनफैक्ट एकाइनोडर्म्स आर हार्टलेस एंड ब्रेनलेस, ना दिल है ना दिमाग है, दे आर हार्टलेस क्रिएचर्स. And I've written here that they are brainless. They have a very simple nervous system and they are brainless. बिल्कुल दिमाग नहीं है, ठीक है. चलो बैलेंसिंग के लिए इनके पास स्ट्रक्चर होता है स्टैटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग. अभी तक बहुत बारी हमने पढ़ लिया. लोकोमोशन में वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है, ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं. ये सारे कैरेक्टर्स तो ऐसे स्टार मार्क करो ना जैसे कि कुछ नहीं, जैसे कि स्टार मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं एक्सक्लूसिव. जैसे कि हमने टीनोफोरा में पढ़ा था, मुझे तो याद हो गया, तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं, टीनोफोरा में सारे कैरेक्टर्स सिंगल सिंगल थे, यूनिक थे रिप्रोडक्शन से. यहां पे भी यूनिक है, देखोगे यूनिसेक्सुअल होते हैं, सिर्फ यूनिसेक्सुअल, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ पानी में फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और सिर्फ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोथ नहीं है. और एक फन फैक्ट बताऊं, तुम्हें बहुत खुशी होगी कि हेमिकॉर्डेटा में भी चिपका दोगे सेम पॉइंट्स. सेम है, यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एकदम कॉपी पेस्ट डिट्टो. तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है ना. यूनिसेक्सुअल हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखता है मेरे बच्चों. तो हो गया ये बहुत आसान सा. अब आते हैं सबसे प्यारी चीज पे, एग्जाम्पल्स. एनसीईआरटी में स्टारफिश का दिया हुआ है, ऑफियूरा का दिया हुआ है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, भूलना मत डायग्राम करना, इसके कॉमन नेम हम लिख लेते हैं. एस्टेरेस का मतलब कहते हैं, एस्ट्रो मींस स्टार शेप. ब्रेन में भी एक सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, वो भी स्टार शेप होते हैं. तो एस्टेरेस मींस स्टारफिश, एस्टेरेस मींस स्टारफिश, ठीक. फिर बात करते हैं एकाइनस. एकाइनस का मतलब होता है सी अर्चिन. एकाइनस का मतलब सी अर्चिन, सी अर्चिन. देन यू हैव एंटीडॉन. एंटीडॉन का मतलब होता है सी लिली. एंटीडॉन का मतलब होता है सी लिली. कुकुमारिया का मतलब होता है सी क्यूक्यूम्बर. कुकुमारिया का मतलब सी क्यूक्यूम्बर, ठीक. और ऑफियूरा का मतलब होता है ब्रिटल स्टार. इसका मतलब होता है ब्रिटल स्टार,
ठीक है, एनसीआरटी के सारे एग्जाम्पल. एस्टेरिस मीन्स स्टार फिश, एकाइनस मीन्स सी अर्चिन, एंटीडॉन मीन्स सी लिली, क्यूक्यू मारिया कुकुम्बर, नाम से ही समझ में आ रहा है सी कुकुम्बर. ऑफ यूरा का मतलब होता है ब्रिटल स्टार. गलती करते हो इसके नाम में और इसके नाम में, पहले ही बता दे रही हूँ, मिस्टेक मत करना, ठीक है. एंटीडॉन का मतलब सी लिली, ऑफ यूरा का मतलब होता है ब्रिटल स्टार. डायग्राम किसका दिया हुआ है देख लेना, ऑफ्यूरा का डायग्राम दिया हुआ है और स्टारफिश का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों. चलो, एकाइनोडर्मेटा इज कंप्लीट. बहुत छोटे छोटे फाइलम से ये, बहुत छोटे छोटे फाइलम से. हेमिकॉटिटा भी बहुत छोटा सा फाइलम है, लेकिन इसको शुरू करने के लिए इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं, ठीक है. हेमिकॉटिटा के नाम से ही समझ रहे हो हाफ कॉडेट्स. हेमिकॉटिटा के नाम से ही समझ रहे हो हाफ कॉडेट्स. पहले इसे कॉडेटा में प्लेस किया जाता था, लेकिन फिर इसे अलग फाइलम में प्लेस करने लग गए, और पहले इसे बेटा कॉडेटा में प्लेस किया क्यों जाता था, क्योंकि इनके पास मिलता था नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर. लेकिन वो नोटोकॉर्ड जैसा है बट नोटोकॉर्ड नहीं है. जिस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टोमोकॉर्ड, इनके पास होता है स्टोमोकॉर्ड. इसको समझा जाता था पहले नोटोकॉर्ड जैसा, बट बाद में पता चला कि जिसके वजह से इसे कॉडेटा में प्लेस कर देते. फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई, नोटोकॉर्ड तो अलग है और स्टोमोकॉर्ड अलग है. ओरिजिन से सवाल आता ही आता है. स्टोमोकॉर्ड की ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल. क्या ओरिजिन होती है इसकी? ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल. नोटोकॉर्ड की तो तुम्हें याद होनी चाहिए मेरे बच्चों, नोटोकॉर्ड की ओरिजिन थी मेसोडर्मल. ये एक बात हो गई, ठीक, जिसकी वजह से इसे फिर सेपरेटली प्लेस कर दिया. हेमिकॉर्डेटा विच इज हाफ कॉर्डेट, इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है, बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. एंड हेमिकॉर्डेटा आर ऑल्सो कॉल्ड एकॉर्न वॉर्म्स, इनको एकॉर्न वॉर्म्स भी बोलते हैं. या फिर इनका शेप देखोगे जो एनसीईआरटी में गिवन है मेरे बच्चों, उसका शेप होता है टंग जैसा, इसीलिए इनको बोलते हैं टंग वर्म्स. इसके जो दोनों एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में गिवन है, विच इज बिलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, वो दोनों को बोला जाता है कॉमनली टंग वर्म्स. सो हेमिकॉर्डेटा इनिशियली प्लेस्ड इन द कॉर्डेट ड्यू टू अ स्ट्रक्चर विच वॉज फाउंड सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड, बट बोथ द ओरिजिन वॉज डिफरेंट. द स्ट्रक्चर विच वॉज फाउंड इन द हेमिकॉर्डेटा वॉज स्टोमोकॉर्ड हुज ओरिजिन वॉज एक्टोडर्मल, वेर एज द स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द कॉर्डेटा that is having mesodermal origin, that is notochord. So this is about their history. ठीक, अब हैबिट एंड हैबिटेट में ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है एग्जैक्टली, ठीक है. कहीं कहीं पे ओल्ड एनसीईआरटी में इस रीजन को कॉलर रीजन मार्क किया हुआ है, लेकिन ये कॉलर नहीं है. चलो यहीं पे पहले इनकी बॉडी से शुरुआत करते हैं कि इनकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री पार्ट्स. नंबर वन इज प्रोबोसिस, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको. ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसे बोलते हैं कॉलर, इसे क्या बोला? कॉलर. और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे हमने बोला ट्रंक. सो देयर आर थ्री पार्ट्स इन द बॉडी, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. दीज आर द थ्री रीजंस दैट यू सी इन द बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेट, ठीक है. कॉलर से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर होता है जो हम देखेंगे आगे, इनके कॉलर रीजन में क्या प्रेजेंट होता है. एनीवे, जस्ट रिमेंबर बेटा, थ्री पार्ट्स प्रोबोसिस, नंबर टू, ये मैंने दो बार वन क्यों लिख दिया पता नहीं, कॉलर, एंड नंबर थ्री ट्रंक. इसको अलग से भी यहां लिख लेते हैं क्योंकि डायग्राम में कई दफा तुम्हें दिखता नहीं है. तो अगर बॉडी को डिवाइड करेंगे तो बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री रीजंस. वन इज प्रोबोसिस, नंबर टू इज कॉलर एंड नंबर थ्री इज ट्रंक. दीज आर दी थ्री पार्ट्स दैट यू सी इन दी बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेटा, ठीक है. चलो, इसका भी एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, दैट इज देयर हैबिट एंड हैबिटेट. एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, थ्री फाइलम्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड एकाइनोडर्मेटा, ठीक. तो ये भी हो गए एक्सक्लूसिवली मरीन, ये तो तुम्हें अब याद हो चुके होंगे. ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्रू सीलोम, बट सेम एकाइनोडर्मेटा जैसे ये होंगे एंटेरोसीलोम. क्या होंगे ये? एंटेरोसीलोम, ठीक. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, अगेन लाइक एकाइनोडर्म्स, दे आर ड्यूटेरोस्टोम्स. माउथ इज फॉर्म्ड सेकेंड, एनस इज फॉर्म्ड फर्स्ट बाई ब्लास्टोपोर.
clear? Bilaterally symmetrical segmentation. Absent, notochord is absent. Instead, what is present? Stomochord. How it is different from notochord? Because stomochord has ectodermal origin, notochord has mesodermal origin. लिख के ले लो, बहुत important है origin. ठीक, बहुत छोटू सा फाइलम है. बॉडी इज डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, पॉपुलरली कॉल्ड एज एकॉर्न वर्म्स और टंग वर्म्स. टंग जैसा शेप होता है इनके प्रोबोसिस और कॉलर का, दिख ही रहा होगा. इस प्रोबोसिस और कॉलर का कैसा शेप दिख रहा है? टंग जैसा शेप दिख रहा है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं टंग वर्म्स. ठीक, इनफैक्ट कॉलर ये वाला है ना, तो नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में कॉलर रीजन को अलग अलग मार्क किया हुआ है. नई वाली एनसीईआरटी में कॉलर यहीं पे मार्क्ड है. घबराओ मत कि मैम कौन सा सही है. ठीक है, यही सही है जो नई एनसीईआरटी में, नई वाली एडिशन में दिया हुआ है, कॉलर रीजन. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनके फिजियोलॉजी के साथ. डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू? रेस्पिरेशन होगा गिल्स के थ्रू. ये भी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं. किसी भी फाइलम्स में जहां सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स मेंशन होंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. पानी में रहते हैं तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो गया. ये अभी अभी आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास ग्लैंड होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड. इसे हम बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड. अब देखो इनका नर्वस सिस्टम, स्टार मार्क कर लो. ठीक है, इनके पास भी दो नर्व कॉर्ड है, दो नर्व कॉर्ड है, लेकिन डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड नहीं है, जैसा आपको आर्थ्रोपोडा एनेलिडा में मिलता है. डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड नहीं है, और कॉर्डेटा जैसा भी नहीं है. कॉर्डेटा के पास क्या होगा, आगे पढ़ाऊंगी. सिंगल डॉर्सल हॉलो, कॉर्डेटा जैसा भी नहीं है. इन बिटवीन है, दो नर्व कॉर्ड है, लेकिन एक है डॉर्सल लाइक कॉर्डेट, और एक है वेंट्रल लाइक नॉन कॉर्डेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टू नर्व कॉर्ड, वन इज डॉर्सल एंड वन इज वेंट्रल, समवेयर लाइक कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. और ये नर्व कॉर्ड होती किधर है, यही मैंने आपसे पूछा था. ये नर्व कॉर्ड होती है जिस रीजन में, दैट इज कॉलर. ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रोबोसिस में होती है, कॉलर में होती है, कि ट्रंक में होती है. तो ये होती है कॉलर रीजन में नर्व कॉर्ड, दो, एक डॉर्सल एक वेंट्रल. क्लियर है? चलो सारे, अब ये वाले तो कैरेक्टर्स तुम्हें मैंने अभी बताया कि एकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टर्स रिप्रोडक्शन वाले, डेवलपमेंट वाले, फर्टिलाइजेशन वाले एग्जैक्टली सेम है हेमिकॉर्डेटा जैसे. तो वहां पे भी यूनिसेक्सुअलिटी थी, यहां पे भी यूनिसेक्सुअलिटी है. वहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, यहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. वहां पे भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहां पे भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. वहां पे भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहां पे भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. आज तो मेरे बच्चों तुम लोग बहुत खुश होगे, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक था, बहुत ही इजी टॉपिक था. बहुत ही सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स थे सभी के, और दो ही एग्जांपल्स मेंशन्ड है, बेलानोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस, जिन्हें हम बोलते हैं टंग वर्म्स. जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टंग वर्म्स. तो आई एम प्रिटी श्योर यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी नाउ दैट टुडेज फाइलम वर रियली इजी. एकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेटा कैन बी समहाउ कंपेयर्ड, सो क्वाइट इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे हैव सम एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स. नाउ देखो, आई होप कि यही हमारा आखिरी स्लाइड है, फिर तो सवाल आ जाएंगे. ठीक है, अब देखो एक बात मेरी सुनो, क्योंकि सारे नॉन कॉर्डेट्स खत्म हो चुके हैं, सारे नॉन कॉर्डेट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है. वो टेबल भगवान के लिए, भगवान के लिए या मेरे लिए बना लेना यार. ठीक है, वो बना लेना यार. ऐसे थ्योरी में पढ़ने से ना, अगर मेरे सामने हो रहा था ना, तो एक एक का हाथ पकड़ के करवा देती. अपने रूम पे ना एक चार्ट पेपर लगाओगे, उस चार्ट पेपर में ऐसे ही लिखोगे बिल्कुल सीक्वेंस में जनरल कैरेक्टर्स, और फिर सारा सीक्वेंस में फिजियोलॉजी का कैरेक्टर, और फिर एग्जाम्पल. और तुम देखना कितना आसान हो जाएगा. मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ यार तुम लोग, मतलब मैं गर्व से बोल सकूँ कि मेरा बच्चा ऐसे बिल्कुल फॉलो कर रहा है और डॉक्टर बन रहा है ना, बहुत ही प्राउडली बोलूंगी. तो तुम्हें वो करना है, ठीक है, तुम्हें वो करना है. अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस तुम खुद से सॉल्व करोगे. ठीक है, नंबर वन क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन. स्टार के बिजी खेल रहे हैं. ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर द फंक्शन ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक्सेप्ट. अभी किया था, लोकोमोशन करता है क्या? यस. क्या रेस्पिरेशन करता है क्या? यस. कैप्चर ऑफ फूड करता है क्या? यस. मैंने वहां डाइजेशन लिखना भूल गई हूं, मुझे याद है. कैप्चर ऑफ फूड करता है क्या? यस. डाइजेशन भी करता है, यही देख लो. अरे यार, नहीं तो बोलोगे कि यार
लिखा नहीं है मैम, लिखा नहीं है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन यही पे ऐड कर लो। डाइजेशन, कैप्चर ऑफ फूड भी करता है, डाइजेशन भी करता है, लेकिन एक वो फंक्शन जो ये नहीं करता वो है रिप्रोडक्शन, जो कि कौन करेगा, जो कि करेगा वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ऑल एकाइनोडर्म्स, सारे एकाइनोडर्म्स विदाउट एनी एक्सेप्शंस होते हैं मरीन। सोचने की बात ही नहीं है, सिंपल सा सवाल। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हमें क्या ढूंढना है? मैंने बोला था कोरा कागज मत रखना, मार्क कर लेना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है अबाउट हेमिकॉर्डेट्स। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। ये बात सही है? सही है भाई। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी भी चेक कर सकते हो, कितना आसान सा सवाल था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, एब्सोल्युटली फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट। सुभान अल्लाह, बहुत ही सही, बहुत ही सही। आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप पे मैं देती हूँ। ये नीट का सवाल है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, तो ये तुम्हें सॉल्व करना है। अगली क्लास में मैं सॉल्व करा दूंगी। मैच दी फॉलोइंग करना है आपको, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और ये उनके सामने एकदम प्लेस किए हुए हैं फाइलम्स। तो बेटा ये आपको सॉल्व करके आना है अगली क्लास में। तो आज का सेशन होता है यही समाप्त विद योर समाप्ति मैम। We are going to come back with the very interesting topic. Very interesting topic. Yes, chordata and very easy. When you compare it with non-chordate, it's very easy. So we are going to come back with a super, super interesting topic, that is chordata. I'm sure you are enjoying these sessions with your Samapti ma'am. We will be back, beta, with a lecture of chordata in the next lecture. Till then, all of you, keep smiling, keep rocking, my future doctors. See you again. Thank you. पढ़ाई करते रहें। All the very best.